श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। भैरव बाबा की कृपा से हम लोग पिछले 2 महीने में 4 यक्षिणियों के बारे में जान चुके हैं। आज 5वीं यक्षिणी की साधना हम लोग जानेंगे। हर एक यक्षिणी की साधना के पीछे उद्देश्य अलग रहता है। जैसे जो अंतिम बार जिस यक्षिणी के बारे में मैंने आपको बताया था, भीषणी थी। भीषणी का काम होता है कि वो हर तरीके से आपको परिपूर्ण रहे। मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि भीषणी का स्वभाव बिल्कुल काली की तरह है, उसका वर्ण भी काली की तरह है। लेकिन हाँ, भीषणी प्रेत योनि से आती हैं और वो आपको स्पिरिचुअल वेलनेस, मेंटल वेलनेस के साथ साथ मटेरियल वेलनेस भी देती हैं। तो अगर एक गुरु मंत्र के बाद आप भैरव की साधना कर चुके हैं, भगवती की साधना कर चुके हैं, तो भीषणी साधना एक साधक के लिए बहुत ही अच्छा साधना है, क्योंकि वो एक एंटिटी को रख करके अपनी बहुत तरह की उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। अभी क्या है कि साधक बहुत तरह के चीज़ों को रखते हैं, धन के लिए अलग, स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए अलग, मेंटल वेलनेस के लिए अलग, फिजिकल वेलनेस के लिए अलग। तो एक भीषणी है वो काफ़ी है। एक भीषणी आपने रख लिया और आपका सारा काम उससे जो है हो जाएगा। आज जिस यक्षिणी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5वां है। उद्यमेश्वर तंत्र ने काफ़ी धमाल मचा रखा है यूट्यूब पे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें भी एक विशेष प्रकार की यक्षिणी है, उनका वीडियो काफ़ी चल रहा है। ठीक है, आज मैं आपको जिस यक्षिणी के बारे में बताऊँगा, उनका काम है आपके मैटेरियल लाइफ को अच्छा करना, धन धान्य देना, आपको सुखी संपन्न करना। ठीक है, अभी क्या है कि भगवती की भी आप पूजा इसी सोच से करते हैं, लेकिन भगवती की आप पूजा करते हैं और जब आप यक्षिणी की साधना करते हो तो आप उसको साध लेते हैं, आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो 5वीं यक्षिणी जिसके बारे में उद्यमेश्वर तंत्र बताता है वो है जनरंजिका यक्षिणी। जनरंजिका मतलब जो कि मनुष्य को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सेटिस्फाई इन द सेंस डिलाइट करे। डिलाइट करने का मतलब होता है खुश करना। ठीक है, जनरंजिका मतलब जन एक मतलब ये संधि है शब्दों का, जन और रंजिका। ठीक है, तो जो जन मतलब मैन, लोगों को जो खुशी दे उसको जन रंजिका कहते हैं। ठीक है, तो उद्यमेश्वर तंत्र में हमने हंसी साधना करी थी। ठीक है, हंसी साधना का क्या था कि हंसी साधना से अगर कुछ भी खोया हुआ जो धन है, वो जो आपके जैसे घर परिवार में किसी ने खजाना गाड़ रखा हो तो उसका पता करना है, तो हंसी साधना थी। विभाम्बरा जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, काम वासना की देवी है, या फिर और भी विचित्रा जो सबसे पहले बार मैंने आपको बताया था, उसका काम होता है कि वशीकरण में आपके सामने जो व्यक्ति आए उसको वशीकरण में रखना। लेकिन जो जनरंजिका होती है, देखो अभी तक जितनी भी देवियों के बारे में बताया, जैसे विचित्रा के बारे में बताया, तो उसका काम है कि सबको आपके प्रति आकर्षित करे। विभाम्बरा के बारे में बताया, वो आपका जो वो पावर है, मैस्कुलिन पावर या फेमिनिन पावर, उसको जगाने के लिए। हमसी के बारे में बताया तो उसका एक मटेरियल बेनिफिट है कि वो आपको आपका आपके घर में या कहीं पे भी अगर ट्रेजर है तो उसको निकाल के देगी। भीषणी के बारे में बताया कि वो आपका जो स्पिरिचुअल है, मेंटल है, और जो स्पिरिचुअल मेंटल और मटेरियल जो वेलबींग है उसको ठीक रखेगी। जनरंजिका का काम है आपको खुश रखना। ठीक है, ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है जनरंजिका का, मतलब आपको जो भी चाहिए होगा वो ये यक्षिणी ला के देने में सक्षम है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया जनरंजिका। तो जनरंजिका की साधना कैसे करते, देखो सबसे सिंपल जितनी भी यक्षिणियाँ हैं जो भी उद्यमेश्वर तंत्र में है उसमें सबसे आसान जो साधना है वो जनरंजिका का है। देखो आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, सामग्री में आपको आपके पास अगर यक्षिणी यंत्र है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। यक्षिणी साधना जब भी करते हैं ना, तो यक्षिणियों के लिए श्रृंगार का पूरा सामान रखते हैं, वो हमेशा रखना चाहिए। आपके पास एक दिया होना चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए,
पुष्प होना चाहिए जो कि नॉर्मल पूजा में आप प्रयोग करते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। जो स्पेशल चीज़ आपको चाहिए होगा इसके हवन के लिए वो है कपूर। इसमें आप सिर्फ चंदन की लकड़ी पे ही हवन कर सकते हैं, ठीक है। कपूर और घी को मिला करके चंदन की लकड़ी पे हवन होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे अभी होली आ रहा है, होली का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है। होली की रात में आप इसको इसकी साधना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर नवरात्र आ ही रहा है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, जो भी कुछ अच्छा दिन अच्छी रात्रि को देख करके आप इसकी साधना करेंगे, एक कदम का पेड़ खोज लीजिए, ठीक है। और कदम के पेड़ के नीचे आपको बैठ करके इसका 20,000 जाप करना है। 20,000 जाप करेंगे आप, क्या मैं मंत्र अब आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 3 बार बताऊंगा। ओम ह्रीम क्लीम जनरंजिके स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम जनरंजिके स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम जनरंजिके स्वाहा। इसका दशांश हवन नहीं होगा। आप जब 20,000 इसका जाप करेंगे तो पहले आप 2,100 का एक हवन करेंगे, उसके बाद फिर आपको 125 का एक बार फिर से हवन करना होगा। ये 2 बार जब आप हवन कर लेंगे तो फिर ये यक्षिणी आपको चाहे तो प्रत्यक्ष होगी। देखिए यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी कि नहीं होगी, सवाल पे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अगर औकात है, ठीक है, आपके गुरु ने ऐसा दे रखा है या फिर आपने पहले इतनी साधना कर रखी है कि आपकी शरीर उस एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, तो फिर ये यक्षिणी आपको दर्शन देगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको दर्शन तो नहीं देगी, लेकिन आपको आभास होगा। इस यक्षिणी के दर्शन देने का या फिर आभास दिलाने का दो प्रभाव है। एक तो आप बहुत हाई हो जाइएगा मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, आपको लगेगा जैसे अभी कुछ करूं, और दूसरा कि आपके आसपास की जो खुशबू है वो बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ये दो तरीका है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी यक्षिणी साधना ये हो गई, सिद्ध हो गई। अगली जो उद्यमेश्वर तंत्र का जो छठा विद्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों से आपने सुना होगा वनस्पति से चांदी बना लिया, सोना बना लिया, ठीक है। वो जो एल्केमी की विद्या है वो भी यक्षिणी ही देती है, ठीक है। वो सोना बनाने की विद्या, वो पारद को शुद्ध करने की या सॉलिड करने की विद्या, वो एक यक्षिणी की साधना से मिलती है। और उस यक्षिणी की साधना मैं आपको अगले बार जब उद्यमेश्वर तंत्र 6 का वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को वो मैं दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ऐसा साधना है जो कि आप लोगों को लगता है कि चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्वर्ण भैरव की साधना मैं दे रहा हूँ। मैंने देखा इंटरनेट पर स्वर्ण भैरव का बहुत विचित्र विचित्र साधना दिया हुआ, बहुत ही सिंपल और सरल स्वर्ण भैरव का साधना दूंगा, आप लोग करिए, बहुत आप लोगों को फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को आदेश, फिर से वही बात, थोड़ा प्रमोशन कर लूँ, मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और मुझे आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं अब अपना व्हाट्सअप नंबर डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे कॉल ही नहीं करते, और व्हाट्सअप नंबर के लंबे लंबे चैट करते हैं जल्दी मेरे मेरे काम में बाधा आती है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, मां भगवती को अलग आदेश।